बागेश्वर जिले में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। शुक्रवार को भी बागेश्वर में 16 पॉजिटिव मामले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दे रहे हैं। बीते 4 दिनों में ही 52 मामले सामने आने से प्रशासन सहित आम जनता में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बागेश्वर जिले में अब तक 1,538 पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जिनमें से 17 मरीजों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को 16 मामले सामने आने के बाद जिलाधिकारी विनीत कुमार, पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीडी जोशी ने लोगों से सतर्क रहने तथा कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जरा सी भी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। लगातार केसेज बढ़ रहे हैं सर, तो क्या कहेंगे लोगों से, क्या अपील करेंगे, कोई स्पेशल कोई गाइडलाइन आई है? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी जैसे कि इस समय कोरोना का जो वेव, नई वेव है, इसमें काफ़ी तेज़ी से जो है केसेज बढ़ रहे हैं और बहुत से लोग जिनका मूवमेंट हो रहा है अभी, उनको पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट तो किया नहीं गया है, फिर भी हम लोग RT-PCR और ट्रूनेट इत्यादि का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके लोगों को टेस्ट कर रहे हैं, जिस वजह से केसेस में भी काफ़ी बढ़ोतरी आई है। हमारे बागेश्वर ज़िले में भी काफ़ी संख्या में लोग जो हैं 17-18 इस संख्या में जो है प्रतिदिन लगभग तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह भी काफ़ी तेज़ी से भर रहे हैं। तो इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग टेस्ट करा करके आएँ, अनावश्यक भ्रमण ना करें, हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, अधिक से अधिक मास्क का प्रयोग करें। हमने चालानों की संख्या भी काफ़ी बढ़ाई है। इस समय हम देखते हैं लगभग बाज़ार में हर व्यक्ति मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, ये एक अच्छा साइन है। लेकिन फिर भी बाहर से आने वालों के प्रति जरूर हम लोग सजग रहें, सतर्क रहें। सबसे अपील है अगर किसी में भी इस प्रकार का कोई भी लक्षण अगर नज़र आता है तो तत्काल बिना बेधड़क घबराए हुए बिना तत्काल पुलिस या जो मेडिकल टीम हमारी है, हमने बहुत सारे नंबर डिस्प्ले किए हुए हैं, उनमें तत्काल हमें सूचना दें ताकि ऐसे व्यक्ति को टाइमली हम चेक कर सकें, आइसोलेट कर सकें और समाज में कोरोना को बढ़ने से रोक सकें। हम सबको मिलकर इसमें काम करना है और अपनी स्वतंत्रता या जो फ्रीडम है वो भी लगातार हमारी बनी रहे, इस पर भी हमें ध्यान देना है। लेकिन साथ ही साथ सावधानी का जो अधिकतम प्रयोग करना है वो हमें करना पड़ेगा। तो सभी लोगों से अपील है, इसमें हम लोग मिलकर इस पुलिस को भी सहयोग करें, प्रशासन को सहयोग करें, हमारे डॉक्टर्स को सहयोग करें। CCN News के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।